राजू पे भरोसा है रे, ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। चले चले यार, साइन कर अनाड़ी, साइन कर। बाबू ये लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर। चल काजल, आप लोगों ने कुछ सुना? अरे इसको ना हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है यार। कोई गाना नहीं चला, रेडियो टीवी कुछ नहीं, दुष्कर ना बाबा, साइन कर रहे, चल कर कर कर। अरे मेरे को सुनाई दे रहा है यार। अरे आप करना यार, तू करना। अरे बाबा तू साइन कर रहे, साइन कर। वो तो ठीक है, लेकिन सुन, अपने पास 30 लाख रुपए है, तू 70 लाख रुपए बाकी के लाएगा कहाँ से? तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? मेरे को भगवान पे विश्वास है। 70 लाख रुपए मैं कैसे ना कैसे लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, कम होम टू द बेस्ट, कम होम टू लोढ़ा, इंडियाज नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर। कृष्णराज। हेलो। हेलो, यस, टेल मी। हाँ हेलो, हाँ मैं बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा ना पैसा लोढ़ा के वो तलोजा का वो प्रोजेक्ट था ना, उसमें फंसा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे मिल सकता है या कुछ? कितना क्या फंसा है? एक्चुअली लास्ट मार्च में ना बुकिंग किया था, तो तभी उन्होंने हम लोग को बोला, कार स्वाइप किया हम लोग ने 16 मार्च को, तो 27.5 का डील हुआ था। और वो बोले, मतलब मैं और मेरी मम्मी है, दोनों ही है, मुझे पापा नहीं है, तो दोनों के नाम पे करेंगे करके बोला था, लोन होगा, मतलब ऐसा बोला उन्होंने, लोन करके देंगे, लोन नहीं देंगे, लोन नहीं होगा तो हम लोग आपका बुकिंग अमाउंट रिटर्न करेंगे। तो तब भी मैंने 20,000 भरा। उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में ना उन्होंने और फर्स्ट वीक में ही कॉल किया कि तुम लोग को बाकी का, मतलब जो बुकिंग अमाउंट 25,000 पेंडिंग था, मतलब 45 पूरा था, उसका 25,000 और सेकेंड अमाउंट तो आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने बोला अभी तो लॉकडाउन चालू है तो मैं भर नहीं सकती पैसा, और अभी है भी नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो बोलते नहीं आपका फ्लैट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ वो पेनल्टी लगाएंगे ऐसा सब? नहीं, पेनल्टी नहीं, आपका आप डायरेक्टली आपका ये मतलब बढ़ रहा है उसका अमाउंट, तो आपको भरना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो मैंने कैसे वैसे करके, मतलब मैंने बोला मेरा जो भी था, मेरे पास थोड़ा गोल्ड है, तो जब तक वो सोनार खोलेंगे नहीं तो मैं, मतलब वो रखने वाली थी और वो लेने वाली थी मतलब पैसा, तो मैं कैसे भरूँ? तो बोलते नहीं हम लोग चेक डालेंगे, तो मैंने उनको ना मैंने 25,000 का एक चेक दिया था और एक 90,000 का चेक दिया था। तो अभी लॉकडाउन है अभी फिलहाल, तो मतलब इतना घाई मत करो आप, मुझे लेना ही है, मतलब इसीलिए मैंने आपको 20,000 दिया है। तो बोलते नहीं आपका बढ़ जाएगा वो, मतलब फ्लैट का कीमत, तो कैसे वैसे करके मैंने बोला ठीक है चलो, मैंने 50,000 तभी उनको ऑनलाइन ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में। और उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे मम्मी का जॉब चला गया लॉकडाउन में, तो मतलब लॉकडाउन के उस टाइम में मैंने पूरा, मतलब उन लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिया था उस बेसिस पे, तो मैंने बोला जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया आप उस बेसिस पे करो, तो बोलते नहीं नहीं अभी हम लोग को एज पर न्यू रूल हम लोग को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उस मम्मी का सैलरी स्लिप चाहिए। तो मैं कभी मम्मी का सैलरी स्लिप नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी मम्मी लोकल सिक्योरिटी में काम करती है और मैं प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। तो मैंने बोला मेरा चालू है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो आप मेरा ले लो, मेरे मम्मी का नहीं मिलेगा। तो बोलते नहीं, तो उस बेसिस पे वो लोग बोलते लोन आपका होगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है लोन नहीं होगा तो आप मुझे वो 70,000 रिटर्न कर दो जो मैंने पे किया है, वो आप पहले ही बोलते कि अगर लोन नहीं होगा तो मैं आपको पूरा बाद में, मतलब 50,000 देती नहीं ना, आप बोले कि लोन होगा करके, करेक्ट, तो वो 70,000 मतलब वो बोलते कि हम लोग देंगे नहीं, वो कुछ फीफो में चला गया। ये सब ऐसा ही है इन लोगों का, वो लोग आपको कैसे भी करके बुकिंग अमाउंट देने को बोलते हैं, खुद बोलते हैं अरे लोन करवा देंगे वो सब, और फिर बाद में आपका लोन नहीं होता है फिर वो अमाउंट फॉरफिट कर लेते हैं, तो ये उनका रेगुलर स्कैम है।
तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अभी करने के लिए देखो, मैं अगर आपको बोलूंगा और खर्चा करो, रेरा में जाओ वगैरह वगैरह, हाँ, तो भी और पैसे तुमसे और 50-60 हजार डालने का ही नौबत आएगा, और निकलने का नौबत कम, डालने का नौबत ज्यादा आएगा। आपको लड़ना चाहिए, ओके, लेकिन लड़ना चाहिए मतलब इसी, ये लोग स्कैम करते हैं तो यही सोच के स्कैम करके कि सामने वाला कैसे लड़ेगा। सामने वाले को लड़ने के लिए और पैसे डालने पड़ेंगे। डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता है तो फिर फंसो। ये उनका पूरा प्लानिंग ऐसे रहता है, ओके, खुल्लम खुल्ला फंसा रहे ना, मतलब तभी खुल्लम खुल्ला फंसा रहे हैं, इसीलिए मैं खुल्लम खुल्ला फंसा रहे हैं, और वो पूरा वकीलों को साथ में लेके फंसा रहे हैं, और उन लोग का पूरा टीम था। मैंने बोला कि मेरे को बाबा 13,000 ही पगार आ रहा है, और मेरे मम्मी का तभी 15,000 पगार था, तो दोनों का मिला के बोलते कि नहीं नहीं आपको हो जाएगा, आप 10% अमाउंट डाउन पेमेंट करो, हम लोग बाकी का पूरा आपको लड़ना पड़ेगा। देखो आप खुल्लम खुल्ला लड़ो, ओके, एक तो उसका वीडियो बनाओ, आप लोगों को पूरा एक ऑडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने डालना जरूरी होता है। आपके साथ जो भी हुआ है, अगर कोई आपको मारता है तो रोना तो बनता है ना। आपको किसी ने मार पहुंचाया है, अगर किसी से आपको मार लगी है, ठीक है, फाइनेंशियली, तो रोना तो बनता है ना, बोलना तो बनता है ना, शिकायत करना तो बनता है ना। उनका पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? नहीं होगा, पुलिस नहीं लेगी, आप ट्राई करके देखो, नहीं लेती है पुलिस कंप्लेंट। ये चीटिंग है, लेकिन ये लीगल टाइप का चीटिंग है, ये खुले में खड़े रह के चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग का ऐसा एक तरीका निकाल लिया है कि पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। IIFL वाले ही है वो, उन लोग का ब्रांच दिल्ली में, उसने मुझे इतना परेशान किया ना लॉकडाउन के पीरियड में, ये डॉक्यूमेंट जो मैडम, वो डॉक्यूमेंट जो, मेरे HR का मेल। उनको मालूम है लोन के लिए, लोन आपका ऐसे पास आसानी से नहीं होता है ना, आप सोचो ना। हाँ, लोन कंपनी है, वो लोन कंपनी किस तरह से काम करती है लोधा को पता नहीं है क्या? लोधा के सेल्स टीम को मालूम नहीं है क्या कि वो लोग क्या करने वाले हैं? उनको मालूम है, उनको मालूम है, तो वो क्या करते हैं, पहले आपको झूठा ये दिलाते हैं कि अरे आपका तो लोन हो जाएगा, अरे आपका इतना इनकम है, ये कर लो कर लो, और आपका पूरा पहले दिन वो जब आप सेल्स ऑफिस में गए थे तो आपका जजमेंट ही खराब कर दिया होगा वो लोगों ने। आज के आज स्वाइप करना पड़ेगा बोला था, यही बोला, आज के आज स्वाइप करना पड़ेगा, आज के आज स्वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या नुकसान होने वाला था। क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया मैंने तो, वो भी क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कराया, राइट, तो आपका जजमेंट पूरा खराब कर देते हैं वहाँ। आप सेल्स ऑफिस में जाते हो तो आपका जजमेंट खराब हो जाता है, आप जज नहीं कर पाते हो। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन अपना जजमेंट खो देते हैं, आम आदमी तो बिल्कुल ही डगमगा जाता है। मुझे भी वो मतलब मनी रिटर्न करने के लिए क्या प्रोसेस? तो टोटल कितना अमाउंट हुआ आपका? 70,000। मैं सच्ची बोलूं आपको, अगर मैं रेना में जाने को बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा ना, तो भी खर्चा ही करने की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ वीडियो बनाओ, डालो, एक नहीं दो नहीं तीन, ठीक है, वो लोग अगर आपको फोन करते हैं तो रिकॉर्ड करो, फोन पे समझाओ उनको, लेकिन वो लोग फिर आपको बोलेंगे नहीं मैडम नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह, उनके वो तो उसको भी वीडियो बनाने का। कस्टमर केयर से भी कॉल आता है, कस्टमर केयर वाला तो डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं मिलेगा पैसा आपको। हाँ ना, बाद में एक बार आप फंस गए हो ना, आप फंस गए हो तो फिर आपका फायदा अभी वो आपका यूज क्या है, तो बस वो बोलेगा नहीं मिलेगा, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे रहता है। पब्लिक जानती नहीं है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्डर के डील में जा रहे हैं तो वो किस चीज के अंदर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है, आप तो भोले हो, आपको लगता है कि सब एकदम क्लीन एंड क्लियर है, आप कोई सामान नहीं लेते हो तो पैसे किस चीज का, करेक्ट ना? कोई दुकान में जाते हो, एक होटल में गए, बैठे टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठ के आपने खाना ऑर्डर नहीं किया, फिर आप खड़े हुए, तो थोड़ी आपको पता होगा कि नहीं नहीं अभी टेबल पे बैठने के भी पैसे देने पड़ते हैं। आपने नहीं खाना ऑर्डर किया, आप चले गए, नो अभी पैसे दो, आप एडवांस दे रहे हो लेकिन एडवांस फ्लैट की तरफ दे रहे हो, अभी फ्लैट नहीं हो पा रहा है, लोन वगैरह नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने जबरदस्ती किया है टोकन लेके,
तो फिर टोकन वापस दो। हिसाब के तो क्लियर होना चाहिए कि लोन नहीं हो पा रहा है। आपने बोला था लोन हो जाएगा। हाँ। आपने बोला था लोन हो जाएगा, आपका ऑफिस में आप लोगों ने मुझे तसल्ली दिलाया था लोन हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है तो पैसे वापस दो। अभी वो बोलते हैं नहीं पैसे नहीं वापस मिलेंगे। ये उनका बहुत बड़ा स्कैम है, खुल्लम खुल्ला स्कैम है और स्कैम ही है। और यानी क्या बोलने का, गरीबों को लूट रहे हैं लोग। उनको रोकने के उनके यहाँ पे मीडिया वगैरह लेके गए तो? मीडिया चलती नहीं है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट के पीछे भाग रही है और ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। अक्षय कुमार के फोटो डाल के एडवर्टाइज कर रहे हैं, अक्षय कुमार के वीडियो डाल के एडवर्टाइज कर रहे हैं। वो आपके पैसे लेके अक्षय कुमार को देते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट के पीछे जा रहे हैं, तो वो मीडिया आपके साथ खड़ी रहेगी या जिधर से पैसा आता है वो उनके साथ खड़ी रहेगी? मीडिया उनके साथ खड़ी है। उनका एक एक एडवर्टाइजमेंट 1-1.5 करोड़ का होता है। वो नहीं, मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये टाइम के चीज में। आपको दुनिया के सामने डालना है, यूट्यूब के थ्रू ही डालना पड़ेगा और फिर आपको जो ट्विटर वगैरह करना है वो अलग आप करो, लेकिन आपको क्लियर कट बयान करके एक सामने लाना पड़ेगा। फिर अगर मीडिया आया तो आया, वो आपका नसीब, लेकिन मीडिया के कानों तक कैसे पहुंचोगे? आप जर्नलिस्ट के पास डायरेक्ट जाओगे, जर्नलिस्ट का जो बॉस है वो स्टोरी को किल कर देता है। जर्नलिस्ट स्टोरी बनाते हैं ना डोडा के मामले में, तो उनके बॉसेस उस स्टोरी को किल कर देते हैं, उस स्टोरी को हवा में आने ही नहीं देते हैं। और अगर मुझे रेरा में कंप्लेंट करना है तो कैसे करना है? सी, रेरा में आप डायरेक्ट कंप्लेंट करोगे 5,000 रुपया लगता है, लेकिन आप एकदम भोले होके भोली भाषा में कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, लेकिन कि उन लोगों ने पूरा स्कैम का बना के रख छोड़ा है, फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो एक बार मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप रेरा में कंप्लेंट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं। वो 5,000 रुपया रेरा का फीस है, रेरा का ही फीस है। ओके। आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं, रेरा में कंप्लेंट करने के बाद मतलब रेरा क्या एक्शन लेते? सी, अगर आपने कंप्लेंट किया तो हियरिंग लेंगे वगैरह सब होता है, वो भी होगा 1-2 साल के बाद या 6 महीने के बाद। ओके, आप अपीयर करोगे अपने आप से, वो लोगों के साइड से वकील अपीयर करेंगे। आपको वकील रखना है तो फिर खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा वापस 40-50 से शुरू होता है, तो आपके 70,000 गए हैं तो 70,000 और डालना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट में दिक्कत ये इस बात का है, वो लोग कह रहे हैं देखो इन्होंने बुकिंग किया था, इन्होंने बुकिंग करके फिर आगे नहीं बढ़े, हमने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। आप बोलोगे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा नहीं, किसने मुझे पढ़ने को नहीं दिया? वो बोलेंगे हाँ तो वो हमारी गलती थोड़ी है कि इन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ने को नहीं दिया वो प्रूव करो। उन्होंने साइन किया तो क्या देख के साइन किया, कुछ तो देख के साइन किया ना। उन्होंने टोकन स्वाइप किया तो उनका अक्ल नहीं है क्या? उनको वो बच्चे लोग हैं क्या? बोला था कि बाबा लोन नहीं होगा तो मुझे अमाउंट रिटर्न चाहिए। मैडम हम आपका लोन 100% करके देंगे, नहीं लेना तो हम लोग आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये सेल्समैन ने बोला था। हाँ, अभी वो वर्बली मुंह से बोला था। हाँ, आप कायदे कानून में जब जाते हो तो मुंह से कोई बोलता है उसका ज्यादा कोई कीमत नहीं रहता है। वो बोलेंगे हाँ कौन था वो, बुलाओ उसको, डांटेंगे, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसने लिख के नहीं दिया है आपको। तो ये सब इन लोगों का चाल है, सेल्समैन कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोलेगा। इतना फ्रॉड कर रहे ना, उलम खुलम पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। और ओला का गाड़ी भेजते हो तो उन लोग का प्लान है, ओला से गाड़ी, पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। वो आपको ओला भेजते हैं, सब हो जाता है। आपको पिकअप ड्रॉप ऑफ दिया था क्या? हाँ, पिकअप ड्रॉप दिया था। पूरा प्लान है, पूरा प्लान है, कैसे भी आपको सेल्स ऑफिस में लेने का और आपके साथ मीठा मीठा बात करने का और आपको सब ब्रोशर्स प्लान ये वो सब दिखा के ऐसा होगा वैसा होगा, इधर ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सुविधा है वो सब, पूरा आपका दिमाग को खराब कर देते हैं। और उन्होंने क्या ऑफर क्या किया था आपको, उसी दिन स्वाइप आपने क्यों किया, क्या सुन के किया?
अच्छा लगा वो देख देख के, तो बोले नहीं लेकिन आज ही स्वाइप करो, बोला तो कोई बेनिफिट दे रहे थे, फ्लैश कम बचे और 2-3 यूनिट ही बचे वो तो। मैं यार अभी मुंह से गाली निकलेगा, वो गलत, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सबको ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये लास्ट फ्लैट से ये निकल जाएंगे तो आपको, अरे ये निकल जाएंगे तो दुनिया में फ्लैट नहीं है क्या, बनने वाला है वो, बनने वाला है सब, एमिनिटीज का बना नहीं था उधर, एमिनिटीज फ्लैट रेडी थे, लेकिन ये लास्ट फ्लैट से बोल के आपको थोड़ा, आई मीन मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपको भी कॉमन सेंस यूज करना चाहिए ना, कि ये लास्ट फ्लैट कैसे हो सकते हैं, बनते रहते हैं ना फ्लैट, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा तो उधर मिलेगा। और वो पता है आपको तलोजा वाला, हम लोग को बाद में मतलब बुकिंग करने के बाद पता चला कि वो म्हाड़ा का भी उसमें है। करेक्ट, म्हाड़ा का करेक्ट, लोधा क्राउन 9.5-9.5 लाख में वो म्हाड़ा वाले मतलब करेक्ट, उनको 11 लाख या ऐसे कुछ में उनको मिला है। हाँ, 10 से 11 लाख में उनको मिला है कुछ, 27.5 में मतलब बार्गेनिंग करके 27.5 में वो एग्री हो गया था। अरे वो बार्गेनिंग भी उनका ड्रामा है, वो ड्रामा कंपनी है उनका, पूरा ड्रामा कंपनी है, बैठे है आपको बार्गेनिंग करवाने के लिए बैठे लोग है। बच्चे लोगों को खिलाते कैसे है क्रिकेट, बच्चे लोगों से हम क्रिकेट खेलते हैं तो आराम से बॉल फेंकते हैं, जो बच्चा टिक करके बॉल को मारेगा फिर हम ताली बजाएंगे, ये तुम जीत गए, तुम जीत गए। तो ये लोग है ना आपके साथ वैसे नाटक करते हैं कि वो आपको एक अमाउंट देते हैं 29 लाख, फिर आप बोलोगे कम करो, फिर आप नेगोशिएट करोगे और करके करते आप 27 पे लेके आओगे, फिर आप खुश हो जाओगे, हाँ मैं जीत गया, बोले वो बोलेंगे जीत गए, चलो स्वाइप करो, टोकन स्वाइप करो, आप जीत गए, फिर आप टोकन स्वाइप कर देते हो। ये लोग आपसे इतना ज्यादा पहुंचे हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, बिल्कुल बच्चे लोगों के साथ क्रिकेट खेलने जैसा है इनका काम। मतलब वो भी मुझे मतलब मिलने का मतलब कुछ होप्स ही नहीं है। सी, आप अगर बकरी हो तो आपको हलाल करके खा जाते हैं, ओके, लेकिन अगर होप्स है वो लड़ने वाले के लिए होप्स है। जो सांप जहरीला होता है ना उसको सब लोग नाग बोल के पूजा करते हैं, जो सांप जहरीला नहीं होता है उसको मार मार के कचुम्बर बना के रस्ते पे फेंक देते हैं। अभी आपको सोचना है आप जहरीले हो या नहीं हो, वो आपको सोचना है। आप अगर आपको अगर लगता है नहीं मैं नहीं लड़ूंगी, मैं ऐसे कोई मुझे कोई भगवान बचाने के लिए आ जाना चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगी, तो कोई नहीं आता है, भगवान का राह देखते रहो, बैठे रहो, भगवान का रास्ता देखते देखते लोग मर जाते हैं। लेकिन आप अगर लड़ोगे तो आपके दिल में खुन्नस होना चाहिए कि भाई कोई मुझे ऐसे थप्पड़ मार के चला गया और मैंने कुछ नहीं किया, तो आपके दिल में खुन्नस होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो मैं आपके दिल में खुन्नस नहीं ला सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ लेकिन आपको गुस्सा नहीं दिला सकता हूँ। आपका खून गर्म नहीं होता है तो नहीं होता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपका खून गर्म है ना तो आपको यहाँ पे लड़ना चाहिए, कम से कम आपको पब्लिक को बोलना चाहिए, रेरा में केस करने का है, मैं फ्री में हेल्प करूंगा आपको, कंप्लेंट करने में हेल्प करूंगा, लेकिन वो 5,000 रुपया आपको और डालना पड़ेगा, और जब हियरिंग होगा, जब सुनवाई होगी, आपको जाना पड़ेगा, आप अकेले जाओ, जरूरत पड़े तो मैं आपका साथ दूंगा। किधर जाना पड़ता है ये है बांद्रा में, बांद्रा ईस्ट में SRA का एक बिल्डिंग है, उसके साथ में ही ये रेरा भी है, स्टेशन से बहुत नजदीक है, बांद्रा में कोर्ट है, लेकिन वो कोर्ट के सामने लड़ना पड़ेगा आपको, लड़ना पड़ेगा। सी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वकील वगैरह करना पड़ेगा, सी वकील वगैरह करोगे तो खर्चा होने वाला है, खर्चा डेफिनेटली होने वाला है, वकील करोगे तो 40-50 का वैसे ही खर्चा हो जाएगा, अब 70 आपका गया हुआ है तो मैं 40 डालने को नहीं बोलूंगा, वो बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, वो मूर्खता का काम है, कि 70 गया और 70 डाल दो लड़ने में, 1,40,000 जाएगा, और फिर मिलेगा तो 70 मिलेगा, तो आपने 70 डाला उसका क्या, तो वैसे और भी यही होगा, नुकसान होगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर 5,000 डाल के कंप्लेंट करना चाहते हो तो उसमें मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपका पूरा ड्राफ्टिंग में कर देता हूँ, ठीक है, पूरा 100% ड्राफ्टिंग में कर दूंगा, क्योंकि आपके आपके लिए वो वकील रखना वगैरह सब बहुत मुश्किल है।
वो सब में हेल्प करूंगा मैं आपके केस में, पूरा हेल्प करूंगा। लेकिन उससे आगे जो लड़ने का है, वो खून जो गर्म होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। लड़ने का जो है, जो स्पिरिट है, वो मैं नहीं आपके अंदर ला सकता हूँ। और आपके अंदर वो आता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अगर लड़ना है आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा। याद रखो, अगर हम लोग रेरा में जा रहे हैं, मैंने कहा आपको ड्राफ्टिंग करके दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, तो चार दिन के बाद आप मुझे फोन करोगे, मुझे लगेगा अरे यार सर दर्द, ये वापस फोन कर रही है। लेकिन फिर आपको लगे रहना पड़ेगा, सर दर्द बोलो या जो भी बोलो, लगे रहना पड़ेगा मेरे पीछे, ठीक है। आपको बार बार फोन करना पड़ेगा, सर आपने बोला था अभी मुंह मत मोड़ो, आपने बोला था अभी पलड़ा मत झटको, अभी करो, आपको मेरे पीछे भी लगना पड़ेगा। मैं भूल जाऊंगा लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर वो टाइप का स्पिरिट है आपके अंदर तो लड़ो। मैं एक्चुअली मैं मेरी मम्मी के अकेले ही बैठी हूँ, मेरा एज भी कम है, 25 है मेरी मम्मी। तो आप बुढ़ापे में लड़ोगे क्या? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, 25 इज अ डिसेंट एज, आप वोटिंग एज के हो गए वो। दुनिया में आपको एक बहुत कड़वा लेसन मिल रहा है, बहुत कड़वा लेसन है, लेकिन आप अगर लड़ोगे और जीतोगे, लड़के हारोगे भी ना, तो भी आपका आपके अंदर एक वो एक नई विद्या आ जाएगी। आप लड़ोगे तो एक आपके अंदर एक नया विद्या पैदा होगा, आप लड़ सकोगे, आपको लड़ने की विद्या मिलेगी। क्योंकि दुनिया में बिना लड़े कुछ नहीं होता है, कोई आपको हाथ में आपका राइट देने वाला नहीं है, आपको छीन के लेना पड़ता है। आपका ऑफिस सर किधर है? मैं बोरीवली में हूँ। अच्छा। मैं रहता हूँ बोरीवली में, ऑफिस नहीं है, मेरा रेसिडेंस बोरीवली में। तो अभी भी मुझे आपके आपके आवाज में लड़ने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ठंडा आवाज आपका। सिर्फ कोई चोट लगता है तो लड़ना पड़ता है, कोई आपको थप्पड़ मार के जाता है तो भाई पलट के थप्पड़ मारना पड़ता है, और वो आपका आपके अंदर वो गुस्सा आना चाहिए, वो खुन्नस आना चाहिए, वो जोश आना चाहिए। वो जोश होगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जोश आपको लाना पड़ेगा, वो मैं नहीं डाल सकूंगा। मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया वो जोश। नहीं नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा मुझे फाइट करना है सर उनके खिलाफ, क्योंकि मतलब वो लॉकडाउन के पीरियड में मैंने वो कैसा अमाउंट एडजस्ट किया ना, वो तभी के टाइम पे मुझे ही पता था, और उन लोगों ने इतना फंसाया, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे टाइप में मतलब मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। राइट, तो अभी एक काम करो, मुझे पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कुछ है, वो सब स्कैन करके मुझे भेजो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ फाइल होगा शायद उन्होंने व्हाट्सएप या ईमेल में भेजा होगा। वो मुझे भेजो। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है सर? 8 से शुरू होता है वो नंबर मेरा व्हाट्सएप में, 8169471229, ठीक है, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नहीं, मेरा दूसरा नंबर है। ठीक है, मैं भेजती हूँ सर आपको, मुझे उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, मैं भेजती हूँ, मेरा वो स्क्रीनशॉट वो भेजो, और एक सेल्फी वीडियो भी बनाना पड़ेगा अपना, अपने खुद के बारे में कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, अपने आप क्यों गए, कैसे गए लोधा के सेल्स ऑफिस में, और आपके साथ में, आपके मम्मी के साथ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब आपको समझाना पड़ेगा। लोन कंपनी वालों ने क्या बोला, ये लोगों ने क्या बोला, पूरा समझाना पड़ेगा। और आपका दुख का बयान करना आपको मैं नहीं सिखा सकता हूँ, वो आपको ही अंदर से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। कम होम टू द बेस्ट, कम होम टू लोढ़ा, इंडियाज नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर।